जो लास्ट टाइम पर हम लोग बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे थे, बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत हम लोगों ने उसमें जो टॉपिक थे मेन मेन उन सभी को डिस्कस कर लिया था। और इसके पश्चात बायोटेक्नोलॉजी में लास्ट टाइम पर बायो रिएक्टर पढ़ा था। बायो रिएक्टर क्या होता है, इसकी संरचना कैसी होती है और बायो रिएक्टर किस लिए उपयोग किया जाता है और ये कैसे काम करता है इसका। तो बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत उसी के बाद उसी के आगे हम लोग डिस्कस करते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर। इसको शॉर्ट में पेपर में आता है पीसीआर क्या है। तो पीसीआर क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को पीसीआर कहते हैं शॉर्ट में। तो पीसीआर में क्या होता है, इसमें बहुत से डीएनए खंडों का निर्माण किया जाता है, बहुत अधिक संख्या में, जितना बनाना हो उतनी संख्या में डीएनए को निर्माण इसके द्वारा करते हैं। पीसीआर मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के द्वारा। अब इसमें आगे देखते हैं तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में क्या होता है। तो सबसे पहले जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जिसमें कि डीएनए के दो हेलिक्स होते हैं जो आपस में जुड़े होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, दो हेलिक्स, ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, द्विरज्जु की संरचना होती है डीएनए। तो ये दोनों हेलिक्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, जिसमें कि एक सिरा 5 to 3 एंड होता है, दूसरा 3 to 5 होता है। मतलब ऐसे नहीं जुड़ते हैं, ये अपोजिट इस तरह से जुड़ते हैं दोनों हेलिक्स, क्योंकि दोनों में जो नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं वो जैसे कि अपोजिट होते हैं। मतलब कि जैसे कि एडनीन हमेशा थायमीन से जुड़ता है और ग्वानीन हमेशा साइटोसिन से जुड़ता है, मतलब एक प्यूरिन दूसरे पिरिमिडिन से जुड़ता है। प्यूरिन प्यूरिन आपस में नहीं जुड़ते और पिरिमिडिन पिरिमिडिन आपस में नहीं जुड़ते। तो एक प्यूरिन एक पिरिमिडिन से आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे होते हैं, वीक बॉन्ड होते हैं, दुर्बल बंध होते हैं। तो सबसे पहले डीएनए खंड को क्या करते हैं, हीट करते हैं, गर्म करते हैं। गर्म करने से क्या होता है, इसका डीनेचुरेशन हो जाता है। डीनेचुरेशन का मतलब इसका विकृतिकरण हो जाता है, इसका स्वरूप बिगड़ जाता है। गर्म करने से क्या होता है, जो दुर्बल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, वीक हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, वो टूट जाते हैं। और वीक हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं तो दोनों हेलिक्स अलग अलग हो जाते हैं। यहाँ दो हेलिक्स हैं, ये एक हेलिक्स अलग हो गया, दूसरा अलग हो गया। एक हेलिक्स जो है 5 to 3 एंड है, दूसरा 3 to 5 एंड है। तो इसका डीनेचुरेशन होता है गर्म करने से और दोनों हेलिक्स इसके जो होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। और इसका जो ये अलग होने के पश्चात ये जो प्राइमर्स है 3 to 5 लगा हुआ है, इधर में क्या है 5 to 3, ये प्राइमर्स होते हैं जो इसमें है। और फिर इन प्राइमरों की संख्या बढ़ाई जाती है। तो पहले इसका डीनेचुरेशन कर लेते हैं, गर्म करते हैं, गर्म करने से हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं तो ये दोनों हेलिक्स अलग अलग हो जाते हैं। अलग होने के बाद शायद इसका एनीलिंग करते हैं, इसको ठंडा करते हैं। एनीलिंग माने कि इसको ठंडा करना। और फिर इसका इसको हम रखते हैं किसमें, डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज क्या है, एंजाइम। इस एंजाइम की उपस्थिति में इसमें जो ये प्राइमर्स हैं, प्राइमर्स की संख्या बढ़ेगी, मतलब अभिक्रिया होगी इस एंजाइम की उपस्थिति में, तो इनकी संख्या में परिवर्तन होगा, बढ़ेगी। और डीएनए की जो संख्या है, मात्रा है, वो बढ़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डुप्लीकेशन या रेप्लीकेशन। तो यहाँ पर इसका डुप्लीकेशन या रेप्लीकेशन होगा किसकी उपस्थित में, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की उपस्थित में या टैग पॉलीमरेज
भी कहते हैं, डीएनए पॉलीमरेज या टैग पॉलीमरेज और डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स की प्रेजेंस में इसका हम लोग रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन कराएंगे। तो इसमें ये होने के बाद इसमें एनीलिंग करा दिया। एनीलिंग कराने में ये एंजाइमों की उपस्थित में डीएनए पॉलीमरेज और टैग पॉलीमरेज डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड के प्रेजेंस में, तो ये दोनों जो हेलिक्स हैं, एक ये और एक ये, दोनों ये अलग अलग इनका रेप्लिकेशन होगा या डुप्लीकेशन होगा। जो प्राइमर्स यहाँ इतना था, इसमें इतना था, ये प्राइमर्स मतलब कि काफी मात्रा में बढ़ जाएगा, ये कंप्लीट डीएनए बढ़ जाएगा। तो इसी के जो प्रतिरूप होते हैं, डुप्लीकेट होते हैं प्राइमर्स के, उनकी मात्रा को बढ़ा लिया जाता है। तो जब इनकी मात्रा काफी बढ़ जाती है, तो ये लगभग कैसे करते हैं हम लोग, ये इसकी लगभग 30 साइकिल चलाते हैं, 30 बार यही प्रक्रिया रिपीट करते रहते हैं, 30 साइकिल्स, 30 साइकिल चलाते हैं। तो इसमें क्या होता है, यहां तक आ गया, फिर इसको रिपीट कर दे, फिर इसको बार बार रिपीट करते रहते हैं। तो लगातार रिपीट करने से क्या होता है, इसमें इस प्रक्रिया को, इसमें कंप्लीट ये डीएनए के जो प्रतिरूप होते हैं, डुप्लीकेट होते हैं, वो बहुत अधिक मात्रा में बन जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ये एम्प्लीफाइड हो जाता है। और इसके प्रतिरूप जो इसके डीएनए के प्रतिरूप बनते हैं, डुप्लीकेट बनते हैं, उनकी संख्या 1 बिलियन टाइम्स बढ़ जाती है। जितनी होती है 1 बिलियन टाइम्स बढ़ जाती है। तो जो ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है, तो उसमें सबसे पहले क्या करते हैं, डीएनए को, जो डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, उसको हीट करते हैं, तो उसका डीनेचुरेशन या विकृतीकरण हो जाता है, अर्थात इसमें दोनों हेलिक्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, ठीक है ना। और इसके पश्चात इसको हम लोग डीनेचुरेशन के बाद एनीलिंग करते हैं, ठंडा करते हैं, फिर इसमें क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम या टैग पॉलीमरेज एंजाइम और डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड की प्रेजेंस में इसका एक्सटेंशन होता है। एक्सटेंशन माने इसका विस्तार होता है, और इसमें बहुत अधिक मात्रा में जो डीएनए के प्रतिरूप होते हैं, डुप्लीकेट होते हैं, उनकी संख्या में बढ़ोतरी होती है। तो जो संख्या में बढ़ोतरी होती है, उस प्रक्रिया को यहाँ नाम दिया गया एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मतलब उसका विस्तार। तो ये अधिक मात्रा में बनते हैं, और ये साइकिल को, एक्सटेंशन की जो प्रक्रिया है ये पूरी, इसको हम 30 बार रिपीट करते हैं, तो ये बहुत अधिक एम्प्लीफाइड हो जाते हैं, और इसके प्रतिरूप लगभग बन जाते हैं 1 बिलियन टाइम्स बन जाते हैं। और इसके 3 मेन पॉइंट है। नंबर 1, डीनेचुरेशन, हीट किया तो इसका विकृतीकरण हो गया, डीनेचुरेशन हो गया, नंबर 1। नंबर 2 में इसको एनीलिंग करते हैं, ठंडा करते हैं, और इसको एंजाइमों की उपस्थिति में रखते हैं, टैग पॉलीमरेज और डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, नंबर 2। नंबर 3 पर इसका क्या हो जाता है, एक्सटेंशन। तो ये 3 हेडिंग के अंतर्गत ही पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को डिस्क्राइब करना होगा, इसका वर्णन करना होगा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन मतलब कि पॉलीमरेज, पॉलीमरे होता है बहुत से डीएनए के प्रतिरूप बनते हैं, डुप्लीकेट बनते हैं, ये रेप्लीकेट होते हैं, तो इसी कहते हैं पॉलीमरेज। पॉलीमरे बहुत से चक्र चलते, बहुत से प्रतिरूप बन जाते हैं। और चेन रिएक्शन मतलब, चेन का मतलब लगातार ये प्रक्रिया होती रहती है, बैक टू बैक लगातार प्रक्रिया जो होती रहती है, इसी को हम लोग चेन रिएक्शन कहते हैं। तो इस प्रकार से पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या होता है,
पॉलीमरेज या पीसीआर क्या होता है? तो पेपर में आता है पीसीआर क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में क्या किया जाता है, डीएनए के बहुत से प्रतिरूप बनाए जाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं वो आपको बता दिया। और इसी में अलग अलग डीएनए के प्रतिरूप बना करके, अलग अलग करके, और दूसरे किसी डीएनए के दूसरे पार्ट से जोड़ना हो तो अलग अलग दो डीएनए के आपस में जोड़ने की प्रक्रिया जो कहलाती है, रिकॉम्बिनेशन कहलाती है। और दो अलग अलग डीएनए जो मिल करके एक डीएनए का, दोनों दो हेलिक्स अलग अलग आपस में जुड़ करके एक डीएनए जो बनाते हैं उसे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी बनाया जाता है, लेकिन एक जैसे प्रतिरूप बना लिए जाते हैं। फिर इसमें जैसा भी परिवर्तन करना होता है आसानी से कर सकते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत हम लोगों ने आज पढ़ा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसको अपना फेयर कॉपी में नोट करेंगे और इसके पश्चात नेक्स्ट टर्न पर इसमें नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।